मसूरी में कश्मीरी व्यापारी द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रभक्ति गीत को फेसबुक पर शेयर करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शहर के व्यापारियों ने कोतवाल से मिलकर पूरे मामले में शीघ्र जांच कर मामले की सच्चाई सबके सामने लाने की मांग की। वहीं भाजपा और हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी दी है कि जब तक कश्मीरी व्यापारी के मामले में जांच रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, तब तक कश्मीरी व्यापारी की दुकान को नहीं खोलने देंगे। लेकिन शहर के अन्य व्यापारी इस बात का विरोध कर रहे हैं। कश्मीरी व्यापारी के मामले में कानून अपना काम कर रहा है, इसीलिए कश्मीरी व्यापारी अपनी दुकान खोल सकता है। ये कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर अगर कोई दोषी है तो उसे सजा कानून देगा, और सजा देने वाला कोई हम कोई नहीं होते हैं। जो कानून की प्रक्रिया है वो चल रही है, जब तक जांच नहीं आती तब तक हम किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। वो अपनी मर्जी से दुकान बंद करना चाहे तो कर ले, अन्यथा कोई उन पे प्रेशर नहीं बनाएगा, जिसकी शासन प्रशासन ने भी जिम्मेवारी ली है कि भाई वहाँ हमने फोर्सिबली दुकान बंद करने के लिए नहीं कह सकते। कश्मीरी व्यापारी द्वारा अपना जो है फेसबुक आईडी हैक करने के संबंध में भी एप्लीकेशन इसी संबंध में दी गई थी, जांच करने के लिए साइबर थाने में और टेक्निकल टीम में भेज दी गई है। जैसे ही जाँच होकर आएगी उसमें जो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यापारी अपनी दुकान खोलना चाहता है उसको पूरा प्रोटेक्शन दी जाएगी और पुलिस पूरे उसके साथ। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट।